मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर रामजी लाल जहांगीर है। मैं 7 नवंबर 1939 को फतेहपुर शेखावाटी सीकर जिला राजस्थान में पैदा हुआ। मैंने 12 साल हिंदुस्तान टाइम समूह में काम किया और उसके बाद 21 साल भारतीय जनसंचार संस्थान में 160 देशों के पत्रकारों और भारत के सभी राज्यों संघ क्षेत्रों के युवा पत्रकारों को प्रशिक्षण दिया। आज मैं राजस्थानी में एक नई योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक इंदौर में प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट है, उसके पत्रकारिता विभाग की अध्यक्ष हैं प्रोफेसर भावना पाठक। उनके दिमाग में आया कि मीडिया के बारे में एक शब्दकोश बनाया जाए। उन्होंने मुझसे संपर्क किया और इस विचार को आगे बढ़ाया। हमारे साथ जुड़े उसके बापू जी। हमने पहले हिंदी में शुरुआत की, उसके बाद 10 भारतीय भाषाओं और बोलियों में उसका रूपांतरण हो गया। आज 11वीं भाषा राजस्थानी में उसका जो पहला शब्द है उससे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि ये 11 का अंक क्यों चुना गया। हमारे यहाँ जब भी कोई शुभ कार्य होता है, जैसे जवाई घर में आता है, तो हम जो है तिलक लगा करके 11 रुपये या 21 या 31 ऐसे देते हैं। इसलिए 11 का अंक भारत में सदा से शुभ माना जा रहा है, इसलिए राजस्थानी को 11वीं भाषा के रूप में जोड़ रहे हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है मीडिया पोलराइजेशन। इसके दो भाग हैं। पहला भाग है मीडिया। मीडिया समझना ज़रूरी है। एक विचार या समाचार अथवा छवि को एक या अधिक व्यक्तियों तक पहुंचाना संचार कहलाता है, और संचार का जो तरीका अपनाया जाता है वो कहलाता है संचार माध्यम। इसी का अंग्रेजी में शब्द है, वो है मीडिया। उसके बाद दूसरा शब्द अथवा छवि को एक या अधिक व्यक्तियों तक पहुंचाना संचार कहलाता है, और संचार का जो तरीका अपनाया जाता है वो कहलाता है संचार माध्यम। इसी का अंग्रेजी में शब्द है, वो है मीडिया। उसके बाद दूसरा शब्द आता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब है कि किसी चीज़ को एक तरफ मोड़ना। अब यहाँ सवाल आता है कि मीडिया का पोलराइजेशन क्या होता है। सबसे पहले यह समझनी ज़रूरी है कि पोलराइजेशन को नफ़ो नुकसान की है। कोई नफ़ो तो नज़र आ नहीं रहे, लेकिन नुकसान काफ़ी ध्यान में आते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अपनी बात दो उदाहरणों से समझाऊँ। पानी आदमी ने जब पीणो है तो सबसे पहले वो साफ पानी मांगे, और अगर बांस आ रही हो तो वो कोई पानी को नहीं पीवे। इस तरह ही आजकल त्योहारों का मौसम चल रहा है। अभी हाल में दिवाली लोगों ने मनाई है, भैया दूज मना रहे हैं। तो अब इसमें लोग जो मिठाई लेते हैं वो कभी मिलावटी मिठाई नहीं खरीदेगा। सबसे पहले देखेगा कि मिठाई जो है वो सही और शुद्ध बनेड़ी है कि नहीं है। तो जब आदमी खाने पीने की चीज़ में इतना ध्यान रखे तो जो विचार का बहाव है उसके अंदर अब मैं कोई गड़बड़ हो जा तो वह लोगों ने बुरी लागन लग जाए।
अब ये है कि पोलराइजेशन में के मतलब है, पोलराइजेशन में कोई एक विचार की तरफ एक तरफ मोड़ने की कोशिश करना, या कोई खास मिनक है, मिनक की अंधभक्ति जो है वो करने के चक्कर में रात दिन में की अच्छाइयों को जाप करते रहना। तो ये इसे अलग हो के कि समाचार, जो समाचार पाने वाला सही और साफ चाहता है, वो उसको वो बनने नहीं मिल रहा, और बमे कोई न कोई खोट आ जाए, वो कोई न कोई रंग आ जाए, वो कोई न कोई पहली सी आदमी की धारणा ब्रांडेड है बेगो गोलमाल आ जाए वो। तो इससे अलग हो के कि लोगों ने बाद में परेशानी होने लग जाएगी, उनको जो है दूर, जो समाचार का भाव है उससे दूर जाने के लिए इच्छा होने लगेगी, क्योंकि उनको थोड़े दिन में लगने लगेगा, थोड़े दिन में वह समझ आएगा कि मामलो जो है गड़बड़ है क्यों क्यों। तो वह समाचार का जो असली पहुंचने का जो मतलब है उससे दूर हो जाएंगे। और फिर क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज़ होती है साख, साख को नहीं रहेगी, क्योंकि जब हर चीज़ जो है बार बार बने गड़बड़ नजर आवेगी, खोट नजर आवेगो, रंग में मिलड़ी नजर आवेगी, तो मैं कहूँ दूसरे तरीके से धीरे धीरे भरोसा उड़ जाएगा, और बाद में जो है वो आदमी के तरह सही पहुँचने का जो अधिकार है उसका, वो उससे वो दूर होता चला जाएगा। तो इसलिए पोलराइजेशन समाज में एक खतरे की घंटी जैसी है, इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आदमी को जो कुछ प्राप्त मिल रहा है वो सारा का सारा बिना बांस का मिल रहा है, बिना बिना रंग का मिल रहा है, बिना मिलावट का मिल रहा है, और बिना जो है अंधभक्ति का पुट लगाए हुए मिल रहा है।